नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बयानबाजी का दौर बहुत चरम पर है। मशहूर शायर मुनव्वर राना ने कुछ दिन पहले बीजेपी और सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा था कि मैं 10 मार्च को अगर दोबारा से सरकार बनी भाजपा की तो मैं उत्तर प्रदेश ही छोड़ दूंगा। और वहीं आज कांग्रेस ने उनकी बेटी उर्सा राना को टिकट दे दिया है। इसको लेकर के बीजेपी अब हमलावर हो गई है और उन्होंने मुनव्वर राना से कहा है कि साहब 10 मार्च को योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं और शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, इससे पहले आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए। तो दोस्तों, एक बड़ा सियासी कर्म आज राजधानी लखनऊ से हुआ है। आपको बताते चले कि बड़े शायरों में शुमार मुनव्वर राना ने चुनाव से पहले एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर सीएम योगी उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बने तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि उनको अपनी मिट्टी को छोड़ने का दुख तो होगा, लेकिन जब घोंसला ही खतरे में हो तो चिड़िया भी अपना आशियाना छोड़ जाती है। मुनव्वर राना ने कहा था कि सत्ता के लोग फरिश्ता बनकर अब निकल पड़े हैं, उनको याद ही नहीं कि जात पात के नाम पर उन्होंने क्या जास्तियां करी हैं। मुनव्वर राना ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा मुख्यमंत्री बने तो यूपी छोड़ दूंगा, दिल्ली कोलकाता चले जाऊंगा, मेरे पिता ने पाकिस्तान जाना मंजूर नहीं किया, लेकिन अब बड़े दुख के साथ मुझे ये शहर, ये प्रदेश, अपनी मिट्टी को छोड़ना पड़ेगा। वहीं जब कांग्रेस ने उनकी बेटी उर्सा राना को उन्नाव के पुरवा से टिकट दे दिया है तो उन्होंने कहा कि सियासत में जो भी कुछ हो रहा है मेरी इजाज़त के बगैर हो रहा है, इन दिनों तो इलेक्शन का माहौल है। एक शायर और एक शहरी की हैसियत से उन्होंने कहा कि जो जीत कर आते हैं खुदा उनको तौफीक दे, मोहब्बत के बीच कितने भी नफरत की हवा वहाँ से गुजरे वो खुशबूदार हो जाए। तो इस तरीके से कुछ आज का घटनाक्रम रहा और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने मुनव्वर राना को किस तरह से जवाब दिया है, क्या हमला बोला है, आइए सुनते हैं। देखिए, मैं बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आदरणीय मुनव्वर राना साहब का मेरा बहुत पुराना संबंध है और निश्चित रूप में मैं उनके कार्यक्रमों में भी जाता रहा हूँ सुनने के लिए। मुझे इस बात का बड़ा दुख होगा कि 10 मार्च को जब दोपहर तक परिणाम आ जाएंगे और शाम तक आदरणीय मुनव्वर राना साहब जब लखनऊ छोड़कर उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे होंगे तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि योगी जी 10 तारीख को मार्च को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी जीतेगी, और जब जीतेगी और उन्होंने ऐसा अगर कहा है, आप कह रहे हैं, तो अगर ऐसा कहा है कि वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, तो जब उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो निश्चित बात जीतेंगे योगी जी, और वो अगर छोड़ेंगे तो निश्चित रूप में एक खबर होगा, समाचार होगा, छोड़ना तो पड़ेगा ही। अगर